हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है और हैप्पी रक्षाबंधन। तो सभी भाई लोग को और बहन लोग को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और मेरे तो दो भाई थे, लो दोनों भाई नहीं है लो, इसलिए बहुत रोना भी आ जा रहा है। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं है, भगवान है। तो आज कृष्ण भगवान को हम राखी बांधेंगे और 1:30 बजे से शायद राखी बंधन है कह रहा है लो। तो अभी हम रामेश्वरम से आए हैं तो नहा धोवा के और पूजा किए हैं घर में, अब मंदिर जा रहे हैं। आज सावन के लास्ट सोमारी है तो सोचा कि उन्हें जल चढ़ा दें वहाँ। तो हम और पूजा और रंजना जा रहे हैं लो साथ में वहाँ पे। और कुछ इस तरीका का सूट पहने हैं, कैसा लग रहा है सूट आप लोग बताइएगा। तो सूट में तो आराम लगता है चढ़ने उतरने या कहीं जाने आने में, लेकिन अभी साड़ी मेरे पास थोड़ा सा स्टॉक कम हो गया है। तो ब्लैक एक साड़ी है और एक कोरा रखे हैं कि कहीं रुके तो तीज को पहनना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं पहने साड़ी। और दो साड़ी तो ऐसे ही हो गया था तो इसीलिए सूट पहन लिया आज पूजा है तो, लेकिन काला नहीं सूट पहने हैं। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। और आज मेरी बॉम्बे से ननद फ़ोन की थी, लक्ष्मी फ़ोन की है और सब ननद लोग फ़ोन किए हैं, तो आज उनके भाई से बात करवाते हैं और कुछ उन लोगों उपहार में फ़ोन पे करवाएंगे। इसलिए कि हर बहन को अपने भाई से आज गिफ्ट की उम्मीद रहती है और उस पर भी उन लोग का माँ बाप नहीं है, तो हम लोग का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि अपनी ननद को या अपनी बहन को एक साड़ी का गिफ्ट कम से कम करना चाहिए, तो उसके अथी में कुछ पैसा दे देना चाहिए। तो आज हम फ़ोन पे करवा देंगे सब ननद लोग को और वो लोग अपने से खरीद लेगा लो साड़ी। तो चलिए आज बात करवाते हैं। और ये मेरा उपहार कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसी मेरी बेटी है एक, वैसे मेरी ननद चार हैं, तो एक जन तो काफ़ी हमसे बड़ी हैं लेकिन तीन जन हमसे छोटी हैं। तो तीनों ननद लोग से बात करेंगे, चारों से करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे मेरी ननद लोग को। और उसमें आप लोग कमेंट करती है ना कि आप ननद के लिए क्या सोचती है, तो ननद के लिए हम उतने ही सोचते हैं, उतने ही मेरा दर्जा है कि ननद को अपने ही बेटी जैसा समझना है। तो अंशु के लिए तो सचिन चला गया है, पूजा के लिए यहाँ प्रिंस आया है और हम अपने ननद लोग के लिए फ़ोन से कुछ पैसा उन लोग को भेज देंगे, आज ही डालेंगे और उन लोग को बोलेंगे कि साड़ी आप लोग एक एक ले लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लेके चलते हैं और अभी मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद ही कॉल करेंगे उन लोग को, दिखाएंगे आप लोग से और बात कीजिएगा आप लोग। तो बने रहिए, तब तक अभी चलते हैं मंदिर। और ये आज का लुक मेरा कैसा लगा, यहाँ सूट देखिए, सूट भी पहनने पर अच्छा लगता है लेकिन अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देता है, उससे कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ने वाला है। अब हमको जो अच्छा लगेगा वो हमको पहनना है। मेरे हस्बैंड का भी यही बात कहना है कि जो अच्छा लगे वो पहनो, अच्छा से रहो। तो चलिए वीडियो के लेके चलते हैं आगे। क्या हुआ? हे गाइस, तो अभी आए हैं शंकर भगवान के मंदिर, यहाँ जल चढ़ाने। आखिरी सोमवारी है आज सावन की, तो सोचे कि चार सोमवार तो हम सिवान में किए थे और पांचवा यहाँ कर रहा है, तो अभी प्रणाम करके यहाँ से जल चढ़ा जाएंगे। और मेरे तरफ से सभी को रक्षाबंधन के हैप्पी रक्षाबंधन की, हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग का भी भाई सही सलामत रहे कि ताकि आप लोग का धागा हमेशा ही रहे। तो मम्मी के भाई नहीं है तो मम्मी शंकर भगवान पर राखी बांधने गया, इसीलिए एकदम आज बहुत बेकार लग रहा है हमको और ये कार में रो भी रही थी। चलिए कोई बात नहीं है, जो भगवान, दो भाई थे, दोनों भाई नहीं है। और यहाँ पे प्रिंस बाबू हैं, जाइए मम्मी को
हम लोग बोल रहा था कि ये लोग एक फ्रेम में नहीं आते ना जी, आते हैं बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है बेंगलोर में आके आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रात में आए और अभी हम लोग मंदिर आए हुए हैं पूजा करने। ये बेचारी अच्छे से खाती पीती नहीं है, उल्टी करते रहती है, तो दो दिन बाद अच्छे से खाइए आप। मैं कल रात में, हाँ, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रैवल में हम उतना कुछ खा नहीं पाते हैं। सेम चीज़ प्रिंस बाबू का भी है कि प्रिंस बाबू घर का खाना खाते हैं ना जी? हम खुद खाते हैं घर का खाना, बाहर का बस खाना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे पर पूजा मंगवाई राखी और जब हम रो रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था, तो आज बिल्कुल ही हमको ठीक नहीं लगा है। इसलिए कि हमारा आज चार साल से हम अपने भाई को राखी नहीं बांधते हैं। मेरे दो भाई थे, दोनों भाई में एक भी भाई नहीं है, तो बैठ के रो रहे थे घर में, अच्छा नहीं लग रहा था हमको। तो फिर प्रदीप बाबू गए तो राखी लाए और बोला कि मम्मी चलिए अब गणेश भगवान को बांध दीजिएगा। तो वहीं शंकर भगवान को गए, पूजा किए, जल चढ़ाए और यहाँ गणेश भगवान को राखी बांधे। वैसे मेरे मामा का बेटा है, उनको हम राखी भेजवा के आए थे। तो यहाँ पे पूजा राखी बांध रही थी, सबसे पहले आशीष सर को बानी, इसलिए कि ये हमारे घर में समझिए कि एक बेटा का जैसे है। और प्रिंस यहाँ पे सचिन के पापा को राखी बांधने वाला कोई नहीं था, लेकिन छोटकी से राखी बनवाया गया, छोटकी बांध दी। तो लक्ष्मी माँ का रूप है छोटकी, और वो अपने नाना जी का राखी बांध दी, पूजा टीका वगैरह लगा दी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज सब लोग को एक एक करके पूजा भी प्रिंस को राखी बांधी और आशीष सर को बांधी, तो अच्छा लगा। ये त्यौहार ऐसा होता है ना कि भाई का उस दिन चाहे लाख बुरा हो चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन भाई बहन का प्यार है और इस धागे में बांधा हुआ होता है। ये चीज़ हमेशा एक भाई को सोचना चाहिए कि हमारी बहन को कैसे रक्षा करना है, और बहन को भी सोचना चाहिए कि कोई ऐसा बुरा वक्त आए या कोई बात हो तो हम अपने भाई के लिए जी जान से खड़ा रहें। तो यही परंपरा बनते आ गया इस दुनिया में, और इसीलिए आज हम बहुत, हमारा भी मन एकदम दुखी था, अच्छा नहीं लग रहा था। काश भगवान दो भाई दिए थे, एक भाई भी रहते तो हम बांधते राखी। और अक्सर हम अपने भाई लोग को हम ही राखी बांधते थे, चार बहन हैं लेकिन चारों बहन में हम हमेशा राखी अपने भाई को बांधे हैं। और बाहर भी रहते थे विदेश, तो वहाँ भी हम राखी भेजते थे उनको, लेकिन भगवान को मर्जी। समाचार ठीक बा? सब ठीक बा, ना आइलो ना आइलो ना बोलइलो हां कहलो बंगलो हम तो पहले ही के चल रहे नहीं, दो तीन दिन पहले के ए जा ई आगर लिए ही जाते हैं। देखो मैं बाकी रही दोनों मिला के अगले साल ले ले। ना ना मैं ही बेरा भेज देम, सब लोग के भेज देम। पहला ही लक्ष्मी को तारीख भैया चल उड़न बेंगलोर जाऊं पर मोबाइल पर सब लोग के डाल देम, सब लोग के मोबाइल पर डाल देम ने राखी बबुनिया बनलस या नेटवर्क पे काम नहीं है कर रिकनेक्ट वो हो जाए अपने से। एक ही दिन तला कर लो बुआ पर खाली नहीं उठाए बाकी चलन ना उठाऊं कौन
हेलो हाँ दीदी सब लोग जुटिए गए ना कौन ही अनु गया अपना भैया के राखी बांध दिलो फोन पर लक्ष्मी बनी लगा उठाओ तो नहीं करिए कि हो जाए तो एक संग सब लोग के हो जाए बात बड़की दीदी के लगे फोन होता तो उठाते नहीं कि ट्रेन में बड़ी ना उनके साथ कर दिया हम भी एक बार लिए साथ हाँ वही तो ना लगा हुआ तुम तो मैटी कोड़ा तेरे लोग जानो के नेग मिल जाता हम क्या आता है फोन ही पर लड़ा था ये लक्ष्मी से तब का करी तो कहीं के फोन कैला पर ना उठाई ले वही से कहीं के चला जाए तो लगे जे बस से चली आओ आज तो रहनी है 7 दिन ले रहनी है घर है आई रही हूं हां अभी ट्रेन में बानी जाता नहीं रुद्र अभी से एती उतरा ला महामृत्युंजय के जाप अच्छा हसनपुर आई रही हूं हां हसनपुर रहनी है सतेंद्र से बात हो जाए लक्ष्मी हम के बेंगलोर बनी सन तर गई लोग के घर है बड़का भैया के लगे तो यहाँ के बानी कौन घर है बेंगलोर बनी बेंगलोर बनी चली नंबर भेज दिलो नंबर पर चल जा रहा लोग किन ले साड़ी नंबर भेज दिलो नंबर पर चल जा रहा साड़ी किन ले इतना तो हक बना था भाई के कमाई में भाई लोग उतना ना करी एगो साड़ी ना दिलो भाई लोग हाँ बटले रहा भगवान करो सब लोग तरक्की हो सब लोग कमाओ छब्बीस के अष्टमी के ठीक बाबा नी ठीक बाबा अभी पढ़ा ठीक बाबा।
खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा सब लोग खुश रहा खुश रहा हे गाइस, तो दो ननद से बात हो गई है, अब दो ननद बाकी हैं लोग, तो उन लोग से भी बात कर लेते हैं लोग, उसके बाद से उन लोग को नंबर पे चल जाएगा उन लोग का गिफ्ट, और उन लोग को भी अच्छा लगता है जबकि सब लोग एक साथ रहते हैं, तो किसी के यहाँ भी भाई बहन एक साथ आज पर्व का दिन है तो रहना भी चाहिए, तो हमको भी अच्छा लगा कि सब लोग से बात हो गया और सब लोग भी खुश है। बड़ी दीदी अंशु की शादी में नहीं आई है इसीलिए खुशी आई है, बोल रहे हैं तो ये लो ना दो लो हमारा के नहीं खेलो बोल ले, तो उनके उनके यहाँ फोन नहीं उठाता लो, अभी तो आज फोन कर रहा लो तो नहीं उठा पा रहा है लो, तो चलिए बात कराते हैं और दो गो ननद से।